हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आई एम हेमा जैन। आज संडे स्पेशल में हम इस काल में, इस समय में जिसकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विपश्यना साधना पद्धति का समग्र दृष्टि से विचार करेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में योग्य ध्येय प्राप्त कर सके तथा जिस भी फील्ड में वो है वहाँ अपना बेस्ट कर सके। इस नए भारत में नई जनरेशन ओवरऑल दृष्टि से उभरे और मजबूत होकर नवनिर्माण करे, इसलिए ये साधना पद्धति अब विशेष रूप से बच्चों को या नई पीढ़ी को, पुराने लोगों को सिखाई जाती है। और आज भी हम इसी साधना पद्धतियों में से जो विपश्यना मुख्य है, बेस है, उसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहला है विपश्यना क्या है। पश्य यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना, तथा विपश्य का अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। पर देखना किसे? तो देखना है अपनी आती जाती श्वास को, श्वास के प्रति साक्षी भाव, अर्थात उस श्वास को जैसी चल रही है बस वैसा ही देखना, उसे जुड़ना नहीं, यह होता है साक्षी भाव। शुरुआत में तो यह कठिन लगता है, परंतु अभ्यास से यह कला निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति सीखता है। जिस दिन हम श्वास को देखना सीख जाते हैं, उस दिन वह हमसे भिन्न है ऐसा एहसास हमें होने लगता है। उस दिन हम जान पाते हैं गहराई से कि क्रोध में हमारी श्वास एक ढंग से चलती है, क्षमा में हमारी श्वास दूसरे ढंग से चलती है। जब हम तनाव से भरे होते हैं तब हमारी श्वास कैसे चलती है, और जब हम प्रसन्न चित्त होते हैं तब हमारी श्वास कैसे चलती है। हमने कई बार यह महसूस भी किया होगा कि तनाव के समय हमारी श्वास में भारीपन होता है, जड़पन होता है, लेकिन जब हम प्रसन्न चित्त शांत होते हैं तब हमारी जो श्वास होती है वह हल्की सी चलती है। श्वास हमारे भावों से जुड़ी होती है, और विपश्यना करना जैसा ही हम शुरू करते हैं वैसे ही हमारे भाव भी बदलने लगते हैं, और इसीलिए विपश्यना साधना पद्धति से लोगों को ज़्यादा अनुभूति होती है कि उनका जीवन बदलने लग गया है। क्योंकि जैसे ही हमारे भाव बदलने लगते हैं हमारा जीवन भी सुचारू रूपेण चलने लगता है, पूर्णतया बदल जाता है। अब इस श्वास को देखने से क्या होता है? तो जैसे जैसे हम श्वास को देखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो शरीर है, हमारी जो मन है, इनके रोग भी तिरोहित होने लगते हैं। मन की जो अशांति है वह चली जाती है, तो बहुत सारे हमारे जीवन के जो तनाव है, प्रॉब्लम्स है, अपने आप कम होने लगते हैं। और यह विपश्यना साधना कैसे कराई जाती है यह हम तो आगे देखने ही वाले हैं। इस विपश्यना के तीन चरण होते हैं, थ्री स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहली स्टेप्स होती है जो हमें शुरुआत में करनी होती है, हमारे श्वास को बस आते जाते देखना है। कभी भी हम अगर कोई विपश्यना साधना केंद्र में गया है तो उनको भी ये चीज़ पता होती है कि पहले तीन दिन तक बस श्वास को ही देखने का अभ्यास कराया जाता है, जिसे आनापान संधि वह बोला जाता है। इस श्वास में जब हम आती हुई श्वास को देखते हैं और जाती हुई श्वास को देखते हैं तो हमारे टेम्परेचर को भी हम महसूस करने लगते हैं बाद में, कि हमें ध्यान में आता है कि जो आती हुई श्वास है उसमें टेम्परेचर कम है, वह ठंडी लग रही है, और जो जाती हुई श्वास है वह हमें गर्म लगती है। इतनी सजगता हमें आने लगती है, और जब यह सजगता हमें आने लगती है तभी हम सेकेंड स्टेप पर जा सकते हैं, जिसे दूसरा चरण कहा जाता है। और उस सेकेंड स्टेप में शरीर के अंगों को देखा जाता है, जैसे शरीर का सबसे ऊपर का भाग है मस्तिष्क और सबसे नीचे है हमारे पैरों की उंगलियां या फिर हमारी हील। तो मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर तक हर एक अंग को शांति से देखना है। जब हम उसे शांति से देखते हैं, धीरे धीरे वहां से चलते हैं, तब हमें कहीं कहीं अगर हमारे शरीर में वेदना है, कोई कोई भाग अगर दुख रहा है, तो वो वेदना भी हमें महसूस होने लगती है। पर इसमें भी हमें क्लियरली बताया जाता है कि आपके शरीर में कितनी भी वेदना हो वहां पर आपको रुकना नहीं है, बस देखना है, आगे बढ़ना है। अगर हम उस वेदना से जुड़ते हैं तो वह वेदना और बढ़ती है, या फिर हमारे ध्यान भटक जाता है, हम उस वेदना में ही रह जाते हैं। लेकिन उस वेदना को अगर हम
दुर्लक्षित करके आगे बढ़ते हैं, उसमें जुड़ते नहीं है, तो वह वेदना थोड़ी ही देर में शांत हो जाती है और वह वेदना बहुत कम बाद में उठती है। बहुत सारे डिसीज, अगर बड़े बड़े जो डिसीज है वहाँ पर भी यह विपश्यना साधना पद्धति इसीलिए कराई जाती है ताकि उनको उस डिसीज से जल्दी रिलीफ मिले। जहाँ पर दवाइयाँ काम करना बंद हो जाता है वहाँ पर ये साधना पद्धतियों के द्वारा बड़े बड़े रोगों को शांत किया जाता है या फिर वहाँ पर मरीज को उन दिनों में रिलीफ दिया जाता है। ये दूसरी स्टेप है और इसके बाद तीसरी स्टेप्स आती है जो होती है मन की। हमारे मन में विविध प्रकार की भावनाएं होती है, किसी को लेकर प्रेम होता है, किसी को लेकर नफरत होती है, किसी को लेकर करुणा होती है, तो किसी को लेकर घृणा होती है। अलग अलग भावनाओं से भरा हमारा यह मन होता है और तीसरे स्टेप में हमारे मन के इन्हीं भावनाओं को देखने के लिए बोला जाता है। जैसे जैसे हमें ये भावनाएं सामने आती है हमें क्लियरली बोला जाता है कि आप में अगर घृणा की भावना आती है तो किसी चीज़ को याद नहीं करना है, बस उस देखना है और आगे बढ़ना है, हमारे श्वास पर ध्यान देना है ताकि उसमें अगले विचार जुड़े नहीं और वो घृणा की भावना बढ़े नहीं। अगर किसी को लेकर प्रेम की भी भावना आती है तो भी उसमें जुड़ना नहीं है, बस साक्षी भाव से देखना है और अपने श्वासों पर ध्यान देना है। इससे दोनों भावनाएं संतुलित हो जाती है, ना ही हम में घृणा ज़्यादा रहती है और ना ही ऐसा प्रेम रहता है जो अनुराग का रूप बन सके, और उससे मन संतुलित होता है जिससे हमारे जो जीवन है वह प्रसन्न चित्त की ओर बढ़ने शुरू हो जाता है। तो अभी जब हम विपश्यना के ये तीनों स्टेप्स पूरे कर लेते हैं तो उसके फायदे हमें देखने शुरू हो जाते हैं, उसके बेनिफिट्स जो है वह हमें ध्यान में आना शुरू होता है। तो उसके कुछ मेन बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो रूटीन लाइफ में जिन्होंने भी विपश्यना साधना पद्धति की है उनको यह महसूस हुए है, ज़्यादा से ज़्यादा इन और इन गुणों में उनकी वृद्धि हुई है, वही बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ। उसमें सबसे पहला है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अनुशासन और निरंतरता। ये दोनों गुण जो भी साधना पद्धति ये करते हैं उनमें धीरे धीरे आने लगते हैं। एक अनुशासन आता है कि समय पर वह काम करना शुरू करते हैं और निरंतरता आती है कि कोई भी काम वह शुरू करते हैं तो जब तक वह पूरा नहीं होता है उसमें अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा कार्य करके ही वह उसे छोड़ते हैं। ये कंसिस्टेंसी, यह कंसिस्टेंसी बहुत लोगों में ये साधना पद्धति करने के बाद देखने में आई है। शिस्तबद्ध तरीके से काम करना, मन का कन्फ्यूजन दूर होना, निर्णय लेने में सहायक होना, ये बहुत सारी चीज़ें डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी में ही आती है। दूसरा फायदा है एनवायरमेंट एंड सर्कल। जैसे ही विपश्यना साधना पद्धति व्यक्ति करके बाहर निकलता है उसका एनवायरमेंट वह बदल देता है। पहले जिस एनवायरमेंट में वह रहता था अगर वह गलत है तो उसे अंदर से वह समझ में आने लगता है कि नहीं, यह एनवायरमेंट मेरे लिए सही नहीं है। उसका जो फ्रेंड सर्कल है, रिलेशन सर्कल है, अगर कहीं निगेटिविटी है तो वह शांति से दूर होने लगता है और जो सर्कल है और एनवायरमेंट है उसे बदलता है जो उसके लिए साधनाकारी है, सहज रूप से स्वीकारने योग्य है, जो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। ऐसे एनवायरमेंट में वह रहना पसंद करता है और ऐसा ही सर्कल वह बढ़ाता है जो उसके अंदर के स्किल्स को बढ़ाए, उसमें क्रिएटिविटी बढ़ाए, पॉजिटिविटी बढ़ाए। ऐसे लोगों के साथ वह व्यक्ति रहना शुरू करने लगता है, यह उसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है राइट नॉलेज। अब आजकल के बच्चे जो है को जो एजुकेशन दिया जाता है वह कंपटीशन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि आज कंपटीशन बहुत है तो उन्हें उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में हम जाते हैं या बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होती है। बाहर के युग में भी अगर जाते हैं तो उनको जो भी एजुकेशन कराया जाता है या फिर हम जिस लाइफ में जी रहे हैं वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। परंतु यह साधना पद्धति स्वीकारने के बाद इंसान समझ जाता है कि नफरत और क्षमा, प्रेम और क्षमा, ये दोनों चीज़ मेरे सामने है तो मुझे क्षमा को स्वीकारना है। अगर प्रेम और नफरत दोनों चीज़ मेरे सामने है तो मुझे प्रेम को स्वीकारना है। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है उसमें कुछ सर्वोत्कृष्ट है तो उसे मुझे स्वीकारना है।
जेलसी की भावना अपने आप कम होने लगती है, वह जो उत्तम है वह स्वीकारना शुरू करता है, इसीलिए उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। और चौथी है हैविंग अ रोल मॉडल इन लाइफ। एक बार यह साधना पद्धति अगर हम मन से करते हैं तो हमारे जीवन में छोटे छोटे ध्येय बनाना हम शुरू करते हैं, और छोटे छोटे ध्येय बनाते बनाते बड़ा ध्येय अपने सामने रखते हैं, और जैसा हमारा ध्येय होता है वैसा ही रोल मॉडल हम अपने सामने इमेजिन करते हैं और वैसा बनने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा जीवन जो है वह गति से प्रगति की ओर जाता है, प्रगति की ओर गति करने लगता है। ये कुछ फायदे विपश्यना साधना पद्धति के बहुत लोगों में देखे गए हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं। अब विपश्यना का सबसे बड़ा उदाहरण है स्वयं सत्यनारायण जी गोयंका, जिनका जन्म बर्मा में हुआ था और वो निरंतर ब्रेन माइग्रेन से त्रस्त थे। हर 15 दिन में उनको तकलीफ होती थी, इस कारण उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाने लगे, जिससे वे उस इंजेक्शन को एडिक्ट होने लग गए। तो ये बर्मावी जन्मी गोयंका जी ने अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूके, हर जगह पर ट्रीटमेंट ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने गुरु से विपश्यना साधना पद्धति सीखी और विपश्यना साधना उन्होंने करते करते ही अपने जो बीमारी है, अपना जो डिसीज है, उसे समूल नष्ट कर दिया। बाद में कभी भी उनको ये बीमारी नहीं हुई, इस कारण से उनको उसकी सजगता समझ में आई। वह विपश्यना साधना पद्धति कितनी इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, वह उनको ध्यान में आया और उसकी जागृति करने के लिए वह भारत में आए, और भारत में आकर उन्होंने 170 से ज़्यादा विपश्यना साधना केंद्र बनाए, ताकि आज के जो लोग हैं वह इस साधना पद्धति को स्वीकारें, अपने जीवन में स्वीकार कर हर दृष्टि से अपने फील्ड में वह बेस्ट बने, योग्य जीवन जिए। ऐसे उदाहरण भी हमें साधना केंद्र में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस साधना पद्धति से अपने जीवन में मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थता का आनंद लिया है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति जब भारतवर्ष में होती थी उसमें इन सारी ध्यान पद्धतियों का अभ्यास छात्रों को कराया जाता था, जिससे वे अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने में सक्षम होते थे। इस कारण तब हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ था। आज हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसी ही साधना पद्धति को स्वयं भी स्वीकार करें और अपने जो एनवायरनमेंट में आजू बाजू में लोग रहते हैं उनको भी इस साधना पद्धति से जोड़े, जिससे पुनः भारतवर्ष को मजबूत बनाने में और भावी पीढ़ी को सक्षम बनाने में हमारा सहयोग हो। अब विपश्यना साधना पद्धति के कुछ नियम होते हैं। ऐसे तो यह नियम हम हमेशा संभाले, हमेशा पाले तो हमारा ही फायदा है। जब तक हम विपश्यना साधना पद्धति जो है अगर वह स्वीकारनी है, अपने जीवन में लानी है, तो पहले 10 दिन का ध्यान ही करें। जहाँ तक मेरा नॉलेज है विपश्यना साधना पद्धति कोई भी केंद्र में फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। वहाँ पर इस ध्यान साधना का, 10 दिन के ध्यान साधना का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। तो अगर हमारे पास 10 दिन का समय है तो हम वहाँ जाकर ही साधना करें। अगर हम इतना समय नहीं निकाल सकते हैं तो घर पर भी हम इस साधना को शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, पर इसमें कुछ नियम पालने होते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, अनावश्यक बातें ना करें, दूसरी है हिंसा ना करें या फिर बेवजह हिंसा ना करें, जमे जब तक झूठ ना बोले, चोरी नहीं करे, किसी की चीज बिना पूछे ले नहीं, मोबाइल लैपटॉप इनका साधना के समय या साधना होने के कुछ देर तक इस्तेमाल ना करें। ये चीजें का अगर ध्यान रखते हैं तो इस साधना को हम और गहराई से और जल्दी अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं, इसलिए इन नियमों का ध्यान रखना है। वहाँ अगर हम करने के लिए जाते हैं तो 10 दिन तक हमें इसमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं करनी होती है, मोबाइल लैपटॉप बुक भी हमें पढ़ने के लिए नहीं दी जाती है, वहाँ पर मौन ही रहना होता है। सबके अपने अपने रूम होती है, उस रूम में जाकर आपको साधना करनी होती है। जिन्होंने इस चीज़ का अनुभव लिया होगा उनको पता है इसके फायदे क्या है और ये क्यों करना होता है।
और बाद में है विपश्यना साधना केंद्र जो भारत में है, उसमें टॉप मोस्ट पर कौन से है, उसमें सबसे है धम्मपत्तना मुंबई का सबसे पहले, दूसरा नंबर पर है धम्मगिरी जो इगतपुरी में है, तीसरा है धम्म थाली जो जयपुर में है, चौथा है धम्म बोधि जो बोधगया में है, बोधगया जहाँ पर गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था यानी बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह बोधगया वहाँ पर धम्म बोधि नाम का केंद्र है, फिर धम्म शिखरा जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, फिर धम्म पफुल्ला जो बेंगलुरु में है, धम्म सेतु जो चेन्नई में है, ये कुछ बहुत टॉप मोस्ट धम्म केंद्र है जहाँ पर विपश्यना साधना पद्धति कर सकते हैं, कराई जाती है और इसमें समय सारणी भी होती है। इन सब जगह पर एक समय सारणी जो है वह फिक्स्ड है कि हर अगर हम वहाँ पर करने के लिए जाते हैं तो हमें सुबह 4 बजे उठना होता है, उठने के लिए वो घंटा आदि बजाते हैं, उसके बाद 4:30 से 6:30 को हमारा ध्यान होता है, 6:30 से 8 बजे तक नाश्ते के लिए और समय दिया जाता है, 8 से 9 वापु सामूहिक साधना होती है, 9 से 11 तक निर्देश के अनुसार जो हॉल में या फिर अपने अपने निवास स्थान पर हमें साधना करनी होती है, 11 से 12 तक भोजन होता है, 12 से 1 तक विश्रांति होती है या फिर जहाँ पर वो जो गुरु है आचार्य है उनके साथ आप संवाद कर सकते हैं, 1 से 2:30 बजे तक पुनः ध्यान होता है, 2:30 से 3:30 सामूहिक साधना होती है, सबकी साथ में बैठकर साधना कराई जाती है, 3:30 से 5:30 बजे तक वापस अकेले अकेले ध्यान करना है सबने अपना, 5 से 6 बजे तक चाय होती है, 6 से 7 सामूहिक साधना होती है, 7 से 8 तक कुछ प्रवचन या विपश्यना साधना पद्धति के कुछ विशेष नियम आदि बताए जाते हैं, 8:15 से 9 बजे तक वापस सामूहिक साधना जो प्रार्थना के रूप में होती है वह होती है, 9 से 9:30 तक आप दिन भर में हमें क्या अनुभव आए और उसके आगे हमें साधना कैसे करनी है इसके लिए शंका समाधान कराया जाता है और 9:30 बजे हमें सोने के लिए भेजा जाता है। जिस भी साधना केंद्र में हम साधना करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर शाम का भोजन नहीं होता है, जितना सात्विक भोजन और जितना कम भोजन हम करते हैं उतनी नींद हमें कम आती है और उसकी वजह से हमारी साधना और बेहतर होती है, हमें आलस कम आता है और सात्विक भोजन से हमारे शरीर में पौष्टिक आहार भी अच्छी तरह से जाता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये थी विपश्यना साधना पद्धति की बेसिक जानकारी जो मेरे पास थी। इसमें भी अगर कुछ जानकारी आपके पास हो तो वो बढ़ाकर आप निश्चित ही आगे बढ़े और विपश्यना साधना की जो पद्धति है अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे हम हमारे जीवन में और बेहतर की अनुभूति करें। विपश्यना साधना पद्धति का स्वीकार मात्र सत्य को जानने के लिए हम करें, भौतिक कामना न रखकर मात्र आत्मा की सत्ता जानने के लिए अगर हम करें तो निश्चित ही हम इसमें और बेहतर हो सकते हैं। जो गलत चीज़ें जीवन में है उनसे हमारा मोह ना रहे तथा किसी का अमंगल करके हमें इष्ट की प्राप्ति ना हो, ऐसी भावना हम सबके रहे, यही मेरी मंगल कामना है। आशा है इस विपश्यना साधना पद्धति को जीवन में स्वीकार कर आप सब भी आनंद को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।